हाथों में नोट उछल उछल कर लगा रहे हैं ठुमके, क्या मस्त मौला है अंदाज। बार बालाओं के साथ मस्त होकर ठुमके लगाता शख्स, अच्छे अच्छे डांस गुरु शर्मा जाएं इन जनाब के ठुमके देखकर। पर एक मिनट, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये माजरा है क्या, क्यों हम आपको बार बालाओं के साथ ठुमकते हुए इन जनाब का वीडियो दिखा रहे हैं। असल में ये उछल उछल कर ठुमकते हुए जनाब हैं उन्नाव जिले के बंगरमाऊ कोतवाली में तैनात सिपाही कमलेश पाल, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना ने सबकी कमर तोड़ रखी है, कोरोना का कहर जहां अपने चरम पर है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, मास्क भी ठुमकते हुए सिपाही के मुंह से नदारत है। और सिपाही ही क्यों, आसपास में अश्लीलता देख रहे लोगों में से किसी के पास भी मास्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप छोड़ ही दें। काली साड़ी वाली लड़की के इर्द गिर्द ऐसे ठुमक रहे हैं जनाब सिपाही कि मानो मीठे के ऊपर मक्खी भिनभिना रही हो। वैसे आपको बता दें कि बीते दिनों बंगरमाऊ कोतवाली क्षेत्र में बोरिया गाना गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बार बालाओं का डांस हो रहा था, जिसमें बंगरमाऊ कोतवाली में तैनात सिपाही कुलदीप पाल बार बालाओं पर ऐसे उछलते हुए डांस करते दिखे। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए SP आनंद कुलकर्णी ने पुलिसकर्मी कुलदीप पाल को निलंबित कर दिया है। पुलिस जांच कर रही है कि कोरोना के चलते आयोजक ने प्रशासन की अनुमति ली थी या नहीं। अगर परमिशन नहीं होगी तो प्रोग्राम आयोजक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं CEO बंगरमाऊ अंजनी कुमार राय ने बताया कि सिपाही कुलदीप पाल का बार बालाओं के साथ डांस करते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में SP उन्नाव ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। खैर, ठुमकते हुए सिपाही कुलदीप को निलंबित तो कर दिया है, मगर सवाल ये भी है कि जब ये सब हो रहा था उस वक्त पुलिस को नहीं पता चला कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कुछ ऐसे ठुमकते हुए उड़ाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।